बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत एक हफ्ते तक मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत शपथ ग्रहण और हस्ताक्षर अभियान से की गई। उप विकास आयुक्त रांची दिनेश कुमार यादव ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत के साथ उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रांची श्वेता भारती, विभिन्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी कर्मी भी यहां मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने लोगों को कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करने, बेटी के जन्म पर खुशियां मनाने, बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण करने, बेटियों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश पूरे समाज में प्रचारित करने की शपथ दिलाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार 18 से 24 जनवरी तक प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उक्त अवधि में प्रखंड, ग्राम पंचायत और मुख्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधि और बालिकाओं के घटते लिंगानुपात को रोकने, बालिकाओं के कौशल विकास एवं उनके स्वास्थ्य शिक्षा आदि के बारे में आम जनमानस को जागरूक किया जाएगा। न्यूज विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। सीसीटीवी स्लैश क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।